ओके, सो आज का जो हमारा मॉडल है, दैट मॉडल इज अबाउट इमर्जिंग कंप्यूटिंग मॉडल्स। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले सुना हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है क्लाउड की। क्लाउड के बारे में आई होप दैट आप लोगों ने पहले सुना होगा। जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि आईफोन के अंदर एक फीचर होता है आई क्लाउड का। जो लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं उन्हें मालूम है कि गूगल की तरफ से गूगल ड्रॉप बॉक्स या गूगल क्लाउड सर्विसेज, गूगल ड्राइव, इस तरह की चीजें आपने जरूर सुनी होंगी। हॉटमेल यूज करने वाले लोगों को मालूम है कि स्काई ड्राइव करके भी ऑप्शन होती है। ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं आपकी, दे ऑल कम अंडर क्लाउड फैसिलिटी। सो क्लाउड एक ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और क्लाउड के बारे में जो जो चीजें आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर समझाई जाएंगी आपको। क्लाउड इज अ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। आने वाले टाइम के अंदर हम एज अ यूजर क्लाउड का इस्तेमाल बहुत करेंगे, बट हमें क्लाउड के बारे में बहुत कम नॉलेज है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि क्लाउड पूरा सिस्टम है क्या। नाउ क्लाउड कहीं हद तक आपका इट्स अ वेरी वेरी सिमिलर कंसेप्ट क्लाउड इज अ वेरी वेरी सिमिलर कंसेप्ट टू योर क्लाइंट एंड योर सर्वर मॉडल। क्लाइंट और सर्वर मॉडल की तरह ही क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के अंदर आपके पास फोटोज हैं, आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं। आप चाहते हो कि ये सारी की सारी चीजें मेरे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में सेव ना हो। सो व्हाट यू डू, यू विल पुट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम योर मोबाइल टू द क्लाउड। ये सारी चीजें आपकी क्लाउड के अंदर चली जाएंगी। क्लाउड इज नथिंग बट इट इज अ स्पेस लाइक अ एम्प्टी मेमोरी। इट इज जस्ट लाइक अ एम्प्टी मेमोरी। ये सारा का सारा जो आपका डेटा है मोबाइल फोन का वो क्लाउड में चला जाएगा और क्लाउड में जाकर ये सारा का सारा डेटा जाके सेव हो जाएगा। यू विल सेव इट हेयर। उसके बाद जस्ट इन केस मैं कहता हूं आपके घर में एक टैबलेट पड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि मैं ये सारी फोटोज, सारे कॉन्टेक्ट्स, सारे के सारी वीडियोस अपने टैबलेट में देखना चाहता हूं, तो आप इस टैबलेट को भी इसी सेम क्लाउड के साथ कनेक्ट कर दोगे और इस टैबलेट के ऊपर भी आप यही फोटोज, यही कॉन्टेक्ट्स और यही वीडियोस देख सकते हो। सो क्लाउड क्या है? क्लाउड, बेसिक क्लाउड एक एम्प्टी स्पेस है जहां आप अपना डेटा सेव करके रख सकते हो। और गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल टूट जाता है, मोबाइल गुम हो जाता है, तो जब भी आप नया मोबाइल खरीदेंगे उसमें दोबारा से वापस आपके सारे वीडियोस, आपके सारे फोटोग्राफ्स, आपके सारे मैसेजेस, सारा कुछ वापस आ सकते हैं थ्रू द क्लाउड, क्योंकि आपके सारे कॉन्टेक्ट्स इस टाइम आपके मोबाइल में नहीं है, वो सारे के सारे आपके इंटरनेट के थ्रू क्लाउड में पड़े हैं। व्हेन आई से कि आपके सारे कॉन्टेक्ट क्लाउड में पड़े हैं, क्लाउड कोई फिजिकल क्लाउड नहीं, कोई बादल नहीं है जो बरसेगा और डेटा बरसाएगा। क्लाउड बेसिकली एक ऐसा सर्वर है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जिसकी लोकेशन के बारे में हम नहीं जानते, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्लाउड है कहाँ। क्लाउड की मदद से सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्लाउड की वजह से आपको ये मिला है कि आपकी जो मोबाइल है उसकी जो मेमोरी है वो बचती है। यू सेव योर मेमोरी। नॉट ओनली यू सेव योर मेमोरी बट इट सेव योर कॉस्ट ऑल्सो, क्योंकि अब आप बहुत सस्ता सा कोई चीप सा मोबाइल खरीद सकते हैं, इनएक्सपेंसिव मोबाइल खरीद सकते हैं और वो मोबाइल से आप वही काम कर सकते हो जो एक्सपेंसिव मोबाइल से कर सकते हो, बिकॉज ऑल योर डेटा इज प्रेजेंट। देन योर डेटा की जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी डेटा की,
वो हमेशा हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड के अंदर आपका बैकअप पड़ा हुआ है। क्लाउड में बैकअप पड़े होने से रिलायबिलिटी इज ऑलवेज हाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी इज दैट डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल। डेटा हमेशा आपका पड़ा होगा। आप इस क्लाउड के थ्रू सिर्फ मोबाइल ही नहीं, नॉट ओनली मोबाइल बट ऑल्सो लैपटॉप का सारा डेटा, अपने पीसी का सारा डेटा, अपने बिजनेस का सारा डेटा, यू कैन कीप एनी डेटा एटसेट्रा। अपना डेटा, रिश्तेदारों का डेटा, मम्मी पापा का डेटा, हमारे अच्छे अच्छे डियर फ्रेंड्स का डेटा, जिस मर्जी का डेटा आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो मोबाइल सर्विस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती है। अगर फ्री की आती होती तो हम भर भर के डेटा रखते हैं। ऐसे फ्री में हमें कोई क्यों स्पेस देगा जहां हम अपना डेटा रख सकते हैं, राइट? इसलिए इस क्लाउड कंप्यूटिंग की खास बात यह है कि ये पे पर यूसेज, जितना आप इस्तेमाल करोगे आपको उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। इट इज लाइक अ एम्प्टी स्पेस। एक खाली जगह आपको दे दी है 20 GB, 40 GB, 100 GB, 500 GB, 1 TB, मन चाहिए स्पेस, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। बट जितना मांगोगे उसके हिसाब से पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और आपको जब चाहे ये सर्विस बंद करनी है, आप सर्विस बंद भी कर सकते हो। बट सबसे बढ़िया बात इसमें यही है कि आपके कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी अगर कम है तो आप अपने डेटा को मन चाहिए जगह पे रख सकते हो। कई बार तो मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अपने मोबाइल से फोटो खींची है, मैं घर पे, मेरे आजकल स्मार्ट टेलीविजन चल रहे हैं, स्मार्ट टेलीविजन को भी क्लाउड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब भी मैंने यहां से फोटो खींची, जैसे राइट नाउ करंटली मैं आपकी फोटो खींचता हूं, जैसे मैंने फोटो खींची मेरे घर के टेलीविजन में वो फोटोग्राफ सेव हो गई। जब मैं घर जाऊंगा तो मुझे मोबाइल खोलकर फोटोग्राफ दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मैं घर जाऊंगा, मैं टीवी खोलूंगा, जिस टीवी को मैंने क्लाउड से कनेक्ट किया हुआ है, स्मार्ट टेलीविजन उसे कनेक्ट किया हुआ है, मोबाइल की खींची हुई फोटोग्राफ इतनी बड़ी बड़ी मुझे नजर आएंगी। इवन मोबाइल से क्लिक करी हुई वीडियोस को मैं एक साथ लाइव स्ट्रीम करवा सकता हूं, कहां पे? वापस मेरे घर में। मैं घर जाऊंगा, उन वीडियोस को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके दोबारा से टीवी से कनेक्ट करूंगा, वो करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, वो डायरेक्टली चली जाएगी क्लाउड के अंदर, और क्लाउड से मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूं। ये वन ऑफ द बेसिक फीचर है जो किसी भी क्लाउड का है। बट आप क्लाउड से और क्या क्या कर सकते हो? बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें आप क्लाउड से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास एक सिनेरियो लेते हैं, आप मेरे पास आते हो और बोलते हो कि सर क्या आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर पड़ा है? और मैं कहता हूं हाँ मेरे पास टैली का सॉफ्टवेयर जरूर पड़ा है, मगर आपको किस पर्पस के लिए चाहिए? आप कहते हैं सर मुझे अपने घर में कंप्यूटर के ऊपर टैली को इंस्टॉल करना है और मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कहता हूं बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा टैली है वो सिंगल लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, मैंने तो परचेज किया हुआ है। अगर आपको टैली चाहिए तो आपको मार्केट में जाके परचेज करना पड़ेगा। बट आप बोलोगे सर मुझे तो सिर्फ 6 महीने के लिए यूज करना है, तो मैं क्यों टैली को परचेज करूं 6 महीने के लिए? तो मुझे दुखता है, इतना महंगा सॉफ्टवेयर, 35,000 का वो सॉफ्टवेयर है जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, आपको सिर्फ 6 महीने यूज करना है, तो 35,000 रुपए आप स्पेंड करोगे, तो क्या सर कोई सोल्यूशन है हमारे पास? मैं बोलूंगा सोचने दो मुझे, और मैं सोचकर क्लाउड के थ्रू एक सोल्यूशन पैदा करता हूं। क्या सोल्यूशन होगा? मैं 35,000 का, खुद मैं 35,000 का सॉफ्टवेयर को क्लाउड में इंस्टॉल कर दूंगा। देखो मैंने क्लाउड में जाकर टेली को इंस्टॉल किया, 35,000 का टेली मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको टेली का एक्सेस दे सकता हूं, बट जाओ कोशिश करो कि एटलीस्ट 5-10 बच्चे तो हो ना आपके दोस्त जिनको टेली चाहिए, ताकि मैं उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकूं। आप कहते सर 5-10 बच्चे इकट्ठे करने बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, मैं अपने दोस्तों से पूछ लूंगा। सो व्हाट आई डू इज आई चार्ज यू 1,000 रुपीज पर मंथ टेली को एक्सेस करने के लिए। तो 6 मंथ के हिसाब से आपको जो खर्चा पड़ा वो है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में आपका काम चल गया, बट मैंने, आपने 6,000 रुपए 10 मेंबर्स को दिए, इन दी एंड
मैंने 60,000 रुपये बना लिए। इन्वेस्ट कितना किया था? 35,000 रुपए। 6 महीने के अंदर आपको भी फायदा हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ 6,000 रुपए के अंदर उस टेली को एक्सेस किया, जो कि लाइसेंस वर्जन है। मगर मैंने क्लाउड में टेली को इंस्टॉल कर दिया। क्लाउड में टेली को क्या किया? इंस्टॉल। क्लाउड में टेली को इंस्टॉल करने से 10 लोग और आ गए, कहते सर हमें भी दे दो 6,000 रुपए में टेली। मैंने 10 लोगों को 6,000 रुपए में टेली दे दिया 6 महीने के लिए, तो मुझे कितने रुपए मिले? 60,000 रुपए। तो 35,000 का सॉफ्टवेयर 60,000 में से 35,000 माइनस कर दिया, बाकी सारा मेरा प्रॉफिट। और 10 लोग जाके बाहर 10 लोगों को और बताएंगे, इस तरह से तो मेरी दुकान चल पड़ी। ये तो एक नया बिजनेस शुरू कर दिया मैंने, टेली को किराए पे देने का। जस्ट इमेजिन। और टेली को किराए पे मैंने इसलिए दे पाया क्योंकि क्लाउड ने मुझे एक ऐसी सर्विस दी, एक ऐसी सर्विस जिस सर्विस के अंदर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर को क्लाउड में क्या कर सकता हूं? इंस्टॉल कर सकता हूं। जब मैं कोई भी सर्विस, कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा, तब मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा इंस्टॉलेशन करने के लिए। इंस्टॉल का जो टेक्निकल वर्ड है, वी कॉल इट एज डिप्लॉयमेंट। मैंने टेली को क्या किया? मैंने टेली को डिप्लॉय कर दिया। द टेक्निकल वर्ड इज डिप्लॉयमेंट। सो इसका मतलब अब मैं क्लाउड की जो सर्विसेज है, बहुत और डिफरेंट तरह की सर्विस का इस्तेमाल कर सकता हूं। पहले तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि क्लाउड का इस्तेमाल सिर्फ मैं अपना डेटा रखने के लिए कर रहा हूं और डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। ये तो बहुत बेसिक सर्विस है क्लाउड की। बट दुनिया की सबसे पॉपुलर सर्विस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आजकल की दुनिया की जो सबसे पॉपुलर सर्विस है क्लाउड की, वो है कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो और अपनी कॉस्टिंग बचाओ। और मल्टीपल यूजर्स एक ही लाइसेंस सॉफ्टवेयर से बहुत सारे यूजर्स उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से सेव होती है। और आपको सिर्फ उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की जो जगह लगेगी, 4 MB, 10 MB, 1 GB, 2 GB, जितनी भी जगह लगेगी, आपने उसका पर महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से पेमेंट करनी है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है। 1,000, 2,000, 3,000 रुपए में आपको साल की स्पेस मिल जाती है। तो इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। तो आप इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं टेली से। ये एग्जाम्पल था आपका क्लाउड को लेकर। तो क्लाउड इसी तरह का कंसेप्ट है। तो अगर मैं आपको क्लाउड के बारे में और बताऊं, हमारे जो क्लाउड है वो बेसिकली जो हमारा क्लाउड है वो बेसिकली फ्रंट एंड से एक्सेस होता है, और बैक एंड जहां हमारा डेटाबेस है वो खुद क्लाउड है। सो क्लाउड का अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, हर क्लाउड का एक फ्रंट एंड है जिससे क्लाउड को एक्सेस किया जाएगा, और हर क्लाउड का एक बैक एंड है जहां डेटाबेस सेव होगा। जहां आप अपने डेटा को एक्सेस करवा रहे हो, वो बैक एंड से डेटा आपका आ रहा है, जो खुद क्लाउड है। सो क्लाउड क्या है? क्लाउड एक स्पेस है जहां आप डेटा को सेव भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकते हो, और बाद में इन सभी सॉफ्टवेयर्स को यूजर्स को एक्सेस भी करवा सकते हो। सो क्लाउड क्या है? क्लाउड एक स्पेस है, ऐसी स्पेस है जहां आप डेटा सेव भी कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को इवन डेवलप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो सब बताऊंगा। और इन सभी चीजों को किसी भी यूजर को, किसी भी डिवाइस को, किसी भी सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हो आप। फ्रॉम एनी वेयर यू कैन एक्सेस इट। दिस इज वॉट इज क्लाउड ऑल अबाउट। ठीक है। सो लेट मी गो थ्रू द मटीरियल नाउ कि
कि क्लाउड में हम क्या और बातें करने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली द यूज ऑफ वेरियस सर्विसेज सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना एंड एटसेट्रा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट इंटरनेट इट इज नथिंग। इंटरनेट के बगैर क्लाउड को एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। क्लाउड इज बेसिकली द होल क्लाउड एनवायरनमेंट। द होल क्लाउड एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स। यू हैव पब्लिक क्लाउड, यू हैव प्राइवेट क्लाउड, you have community cloud and you have hybrid cloud। ये चार टाइप्स है हमारी क्लाउड की जो हमने डिस्कस करनी है। Now, what is public cloud? Public cloud क्या है? Public cloud वो क्लाउड है जिसे थर्ड पार्टी बनाती है। थर्ड पार्टी ने, कोई एक्स वाई जी कंपनी है, उसने क्लाउड बना दिया और उसे ओपन कर दिया सभी कस्टमर्स के लिए। सभी कस्टमर्स उस क्लाउड में जाकर अपनी स्पेस हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं स्पेस को, और वो पेमेंट देंगे पर यूज बेसिस पे। मतलब जो पब्लिक क्लाउड है वो किसी भी पब्लिक के लिए ओपन है। Anybody can get a space. Anybody can get a space and pay per usage. अपनी usage के हिसाब से pay कर सकते हैं। So public cloud is a very open cloud. Anybody can go, pay for the space and can do whatever they want to do with the cloud. एक ऐसा क्लाउड जिसे थर्ड पार्टी ने बनाया है ताकि पूरी दुनिया में लोग इंटरनेट के थ्रू इस क्लाउड को एक्सेस कर सकें और जितना वो क्लाउड इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके हिसाब से पेमेंट दे दें। बेस्ट चीज इस पब्लिक क्लाउड की ये है कि जो क्लाइंट है उसे क्लाउड को मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो क्लाउड की अपग्रेडेशन है, जो क्लाउड की मेंटेनेंस है, ये सब चीजें वेंडर खुद करवाएगा। वेंडर खुद करवाएगा ये सारे के सारे मेंटेनेंस, जिसने क्लाउड बनाया। अगर मैंने क्लाउड बनाया है और आप लोग मुझे 3,000 रुपए, 1,000 रुपए पर महीने का दे रहे हो क्लाउड का, तो क्लाउड की अपग्रेडेशन, क्लाउड की मेंटेनेंस, क्लाउड की सिक्योरिटी, ये सारी जिम्मेवारी मेरी है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मगर अगर मेरा क्लाउड प्राइवेट क्लाउड है तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी मेरी बन जाती है। मैं अपना खुद का क्लाउड रखना चाहता हूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं देना चाहता हूं कि मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा एक तो वो अपने पास रखे और उसकी पेमेंट भी मैं दूं। मेरा डेटा उनके क्लाउड में पड़ा है और मुझे गारंटी नहीं है सिक्योरिटी की, इसलिए कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपना क्लाउड खुद बनाएंगे और अपनी कंपनी का सारा डेटा उस प्राइवेट क्लाउड में रखेंगे। अगर प्राइवेट क्लाउड को कंपनी खुद बनाती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी उस कंपनी की होगी, चाहे वो सिक्योरिटी की बात है, चाहे वो मेंटेनेंस की बात है, चाहे वो अपग्रेडेशन की बात है। इस सारी सिचुएशन में कंपनी खुद मेंटेनेंस करेगी इस क्लाउड की। तो पहले पब्लिक क्लाउड पढ़ लेते हैं, पब्लिक क्लाउड को समझ लेते हैं। पब्लिक क्लाउड इज मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक or the large industry group, they are administered by third party or vendors over the internet and services are offered pay per user basis. Jitna istemal karoge us hisab se aapko cloud ki service ke charges dene hain. Is tarah ke cloud ka jo istemal hai wo development mein kiya jata hai, deployment mein kiya jata hai aur management. Development kya hai? Dekho,
यहां वर्ल्ड लिखा हुआ है, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट पब्लिक क्लाउड के अंदर डेवलपमेंट की जा सकती है. यू कैन डेवलप योर ओन सॉफ्टवेयर इन द क्लाउड. डिप्लॉय, यू कैन इंस्टॉल योर ओन सॉफ्टवेयर. मैनेजमेंट, यू कैन कीप योर ओन डेटा. सो व्हाट इज डेवलपमेंट इन द पब्लिक क्लाउड? यू कैन यूज पब्लिक क्लाउड टू डेवलप योर ओन सॉफ्टवेयर. आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो. डिप्लॉयमेंट, यू कैन इंस्टॉल योर ओन सॉफ्टवेयर. मैनेजमेंट, यू कैन कीप योर ओन डेटा. मेक योर ओन फोल्डर्स, अपने फोल्डर्स बनाओ, अपनी फाइल्स बनाओ, शेयर करो फाइल्स को, जो मर्जी करो. दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. पब्लिक क्लाउड के थ्रू ये तीनों चीजें बड़ी आसानी तरीके से हो सकती हैं. सो लेट्स गो बैक. इट इज वाइडली यूज इन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. बहुत सस्ता पड़ता है. इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर हाई स्केलेबल. स्केलेबल मतलब स्कोप कभी भी एड हो सकता है. You can add your scope anytime. How? By adding more space. आपके पास पहले 1 GB थी, आज आप 2 GB कभी भी कर सकते हो. 1 GB स्पेस को 2 GB स्पेस कभी भी कर सकते हो आप, एनी टाइम. जैसे हमने 1 GB की स्पेस को 2 GB स्पेस कर दिया, आपका स्कोप बढ़ गया. Reliable application, reliability is always high because third party gives you guarantee. Third party gives you guarantee कि आपका data हमेशा available रहेगा, हमेशा reliable रहेगा, and that too at a very affordable cost again. And this is the good part of your public cloud. Private cloud, मैं दोबारा से बता देता हूं पब्लिक क्लाउड के बारे में. इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर हाईली स्केलेबल. स्केलेबल का मतलब है कि आप स्कोप कभी भी एड कर सकते हो क्लाउड का. कैसे? अगर आपके पास पहले 1 GB की स्पेस थी, तो अब आप 2 GB की स्पेस कभी भी ले सकते हो, जिसकी वजह से आपका क्लाउड का स्कोप बढ़ गया. रिलायबल, आपका डेटा कौन हैंडल कर रहा है? थर्ड पार्टी हैंडल कर रही है. अगर आपका सारा का सारा डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी थर्ड पार्टी की है, तो आपका डेटा कभी भी क्रैश होगा तो उसकी बैकअप करने की जिम्मेवारी उसी थर्ड पार्टी की होगी. क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब होता है डेटा की अवेलेबिलिटी हमेशा होना. और डेटा की अवेलेबिलिटी की गारंटी कौन ले रहा है? यहां पर थर्ड पार्टी. आपकी कोई गारंटी नहीं है. और मैं आपको थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपका डेटा क्रैश होता है, तो आप किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो और इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो. क्लाउड की इंश्योरेंस भी होती है. ये बात मैं आपको एडिशन बता रहा हूं, मैं डोंट राइट इन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. कि अगर बाय चांस क्लाउड में डेटा क्रैश हो जाता है, तो आपको कंपनसेशन मिलता है. आपके डेटा की कीमत तय होती है कि आपका डेटा कितना कीमती था आपके लिए. और क्लाउड के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी फेल हो जाए, रिलायबिलिटी गिर जाए, डेटा अवेलेबिलिटी गिर जाए, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो. पीपल डू दैट. सो दिस इज व्हाट इज ऑल पब्लिक क्लाउड. तो इट इज basically little risky also. Let's talk about the private cloud. What is private cloud? The cloud computing environment reside within the boundaries of an organization. मतलब ये ऐसा cloud है जो company की boundaries के अंदर ही है. देखो, एक private company, हमेशा याद रखो, किसी भी private company के अंदर intranet चल रहा है. इंट्रानेट. बाय इंट्रानेट चल रहा है क्योंकि दे डोंट वॉन्ट टू अलाउ एनी
outsider to come in. इसलिए वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, they do not use इंटरनेट. सो अगर उन्हें क्लाउड लगाना है तो क्लाउड को एक्सेस करने के लिए तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो अगर ये प्राइवेट कंपनीज पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करती हैं, तो वहां पे उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी एज कंपेयर टू इंट्रानेट, क्योंकि वो इंट्रानेट से बाहर आकर इंटरनेट पे आ जाएंगे. व्हाई अ कंपनी विच इज ऑलरेडी यूजिंग इंट्रानेट वो क्लाउड के लिए इंटरनेट यूज करेगी, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत रिस्की है, वो तो एक पब्लिक एनवायरमेंट है, इंट्रानेट तो बहुत सिक्योर है. इसलिए कंपनी कहती है जब ऑलरेडी हम फिजिकल तारों के थ्रू इंट्रानेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लाउड में क्यों पब्लिक एनवायरमेंट में जाएं. तो पब्लिक प्राइवेट क्लाउड के अंदर, सो इन प्राइवेट क्लाउड कंपनी मेक्स इट्स ओन क्लाउड, वो अपना क्लाउड खुद बनाती है, जिसकी जिम्मेवारी उनके आईटी डिपार्टमेंट, जो उनका आईटी डिपार्टमेंट होता है खुद का, वो उसे डेवलप करता है और उसकी सारी की सारी सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्कोप, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन की सारी जिम्मेवारी किसकी होगी, ये सारी जिम्मेवारी उन्हीं के आईटी डिपार्टमेंट की होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की खुद की जिम्मेवारी होगी इन सारी चीजों को लेकर. ओके, सो लेट मी गो थ्रू द मटेरियल. These also called internal clouds. In internal clouds भी कहते हैं. They are built primarily by the IT department. इसे IT department के लोग बनाते हैं. Within the enterprise, who seek optimized utilization of infrastructure. जितना उन्होंने पैसा लगाया है, वो चाहते हैं कि हम उसके इस infrastructure की optimization करें. फालतू में पैसा बाहर किसी third party को मत दे. और usually इस private cloud को बनाने के लिए हम grid और वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. ग्रिड और वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में करवाऊंगा. ये जो कंसेप्ट है आपका, ये चैप्टर नंबर 5 में आएगा दोबारा से, ग्रिड और वर्चुअलाइजेशन. द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट क्लाउड इज दैट इट एनेबल्स एन एंटरप्राइज टू मैनेज इट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैव मोर कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब है सिक्योरिटी. But this comes at the cost of IT department. So the cost is there by the organization itself. The cost कौन bear करेगा? खुद company creating a secure and scalable cloud. Security की जिम्मेवारी और cloud का जो scope है, अगर वो add करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा. Owned by company. Company खुद करेगी. The next cloud we have is called community cloud. Next we call it as community cloud. Community cloud वो cloud है which is shared by community members. For example, ये cloud RBI का है, RBI का cloud है. RBI को हर एक bank का कुछ data चाहिए, तो ये bank number 1 है, ये bank number 2 है, ये bank number 3 है. ये सभी लोग अपना अपना data क्लाउड के साथ कनेक्ट करेंगे, आरबीआई के क्लाउड के साथ. दिस इज होल इज
बैंकिंग कम्युनिटी। एंड द बैंकिंग कम्युनिटी व्हाट दे आर डूइंग इज द होल बैंकिंग कम्युनिटी इज शेयरिंग डेटा विद आरबीआई। And these banks are all competitors. ये सब competitors हैं एक दूसरे के. So this is a cloud in which the data is shared by the same community. The RBI want to see the data of various banks. So RBI अपना cloud बनाता है. Rather than asking the data every month कि मुझे ये data चाहिए वो data चाहिए check करवाओ audit करवाओ, RBI people don't need to go and visit any branch, any bank's headquarter. RBI को जाने की जरूरत नहीं है. RBI ने अपना एक cloud बनाया which is called community cloud. और वहां पर सभी bank वाले अपना periodic data रखते हैं ताकि RBI उसे audit कर सके. And this kind of cloud is called to be community cloud. इस cloud की सिर्फ एक disadvantage है, और वो disadvantage ये है कि competitors को अपना data, companies को अपना data competitors के साथ रखना पड़ता है, अपना data को competitor के साथ same cloud में रखना पड़ता है, बस एक ही disadvantage है इसकी. देखते हैं इसको. This is the sharing of computing infrastructure between organization of the same community. For example, all government organizations within India may share computing infrastructure in the cloud to manage the data. The only risk is that the data may be stored with the competitor. The data aapka jo store hua hai competitor ke saath. And the next one is called to be hybrid cloud. Hybrid cloud का मतलब है कि जो organization है वो किसी भी cloud का जो इस्तेमाल है वो mix करके use कर सकती है. For example, कंपनी का कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है और एक है नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा. जो तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसे हम रख सकते हैं प्राइवेट क्लाउड में, और जो नॉन कॉन्फिडेंशियल है उसे रख सकते हैं पब्लिक क्लाउड में. Obviously, this will save money and this one give better security. So this is called hybrid cloud, जिसमें organization पिछले तीन cloud में से जो सा भी cloud है mix करके use करती है. जो उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसे प्राइवेट क्लाउड में रखेगी, और जो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो नॉर्मल डेटा है, ऑर्डिनरी डेटा है, उसे पब्लिक क्लाउड में रखेगी. पब्लिक क्लाउड में रखने से उसका पैसा बचता है, और प्राइवेट क्लाउड में चीजों को रखने से उसके वो बेटर सिक्योरिटी मिलती है. सो लेट्स गो दिस हाइब्रिड क्लाउड. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर मेंटेन इट. इंटरनल प्रोवाइडर्स प्राइवेट, एक्सटर्नल पब्लिक. इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू और मोर क्लाउड. दे हैव टू मेंटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी बट बाउंड टूगेदर बाय द स्टैंडर्ड डेटा एंड एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी? एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है व्हेन यू यूज सेम सॉफ्टवेयर इन बोथ क्लाउड. जब आप दोनों क्लाउड में सेम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी. प्राइवेट में भी टेली का इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक में भी टेली का इस्तेमाल हो रहा है.
मगर जो बैलेंस शीट कॉन्फिडेंशियल बैलेंस शीट है उसे आप रख रहे हो प्राइवेट क्लाउड में, और जो बैलेंस शीट आपकी ओपन बैलेंस शीट है, वेरी नॉर्मल बैलेंस शीट, उसे आप पब्लिक क्लाउड में रख रहे हो। इस तरह से आप डिस्टिंग्विश करोगे। और कुछ बैलेंस शीट्स जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर कर रहे हो या गवर्नमेंट किसी ऑफिस के साथ शेयर कर रहे हो, उसे कम्युनिटी क्लाउड में रख सकते हो। विद हाइब्रिड क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन माइट रन नॉन कोर एप्लीकेशन। नॉन कोर एप्लीकेशन होती है नॉन कॉन्फिडेंशियल, नॉन इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट नॉट इंपॉर्टेंट इन द पब्लिक क्लाउड। एंड कोर एप्लीकेशन, कोर एप्लीकेशन होती है इंपॉर्टेंट वन, कॉन्फिडेंशियल वन, सेंसिटिव डेटा इन द प्राइवेट क्लाउड। सो दिस इज योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, द टाइप्स ऑफ द क्लाउड यू हैव डन विद मी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड। आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। नो व्हाट इज आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट। हमारे पूरे के पूरे क्लाउड में, दिस इज क्लाउड, दिस इज सिस्टम, इस सिस्टम में ब्राउजर है, इस ब्राउजर की मदद से मैं इस क्लाउड को एक्सेस कर सकता हूं, इस ब्राउजर की मदद से मैं एक्सेस कर सकता हूं, और ये जो क्लाउड है मेरा, इसमें मेरा डेटा सेव है, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। सो डेटा आ भी रहा है, डेटा जा भी रहा है ब्राउजर के थ्रू। सो ये जो सिस्टम है इसे कहेंगे हम, ये है फ्रंट एंड, जिसे GUI भी बोलेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये है हमारा बैक एंड, जो कि खुद क्लाउड है। कई बार हमारा डेटा एक क्लाउड में नहीं पड़ा होता, कई बार दो क्लाउड आपस में जुड़े होते हैं, क्लाउड वन और क्लाउड टू आपस में जुड़े होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड टू बी इंटर क्लाउड्स। दीज आर कॉल्ड टू बी इंटर क्लाउड्स। यही आपका क्लाउड का आर्किटेक्चर है। जो क्लाइंट एक्सेस करता है, क्लाइंट हमेशा एक्सेस करेगा फ्रंट एंड, क्लाइंट हमेशा एक्सेस करेगा फ्रंट एंड, और बैक एंड पे हमेशा होगा डेटाबेस। इन एग्जाम अगर ये सब कुछ आता है, अगर आप ये डायग्राम को ड्रॉ करके आए या इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते आए, आपका इतना बड़ा पैराग्राफ जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, सारा का सारा रिजॉल्व हो जाता है। कुछ चीजें आईटी के अंदर आपको लर्न करने की आईसीए के लैंग्वेज के हिसाब से जरूरत नहीं है, जैसे क्लाउड का आर्किटेक्चर। क्लाउड के आर्किटेक्चर में बहुत बेसिक चीजें समझा के आनी है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, बैक एंड खुद क्लाउड होता है। और आप जानते हैं जब मैं कहता हूं ये क्लाइंट, डू यू रिमेंबर, क्लाइंट हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा फैट क्लाइंट,
और एक होता है हमारा थिन क्लाइंट। इफ यू रिमेंबर हमने थर्ड चैप्टर में किया था फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट। थोड़ा सा रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, फैट क्लाइंट आपका वो क्लाइंट होता है जो बल्क ऑफ प्रोसेसिंग खुद करता है, खुद सारी प्रोसेसिंग करता है, और थिन क्लाइंट वो होता है जिसमें मिडलवेयर था। मिडलवेयर याद है जिसको हम एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं। आई होप आपको डायग्राम याद होगा, यहां क्लाइंट है, यहां सर्वर है और बीच में मिडलवेयर था जिसे हम थ्री टीयर भी बोलते हैं। इसमें होता है थिन क्लाइंट, और फैट क्लाइंट में क्या होता है, सिर्फ क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। क्लाइंट के पास एक सॉफ्टवेयर होता है और इस सॉफ्टवेयर से क्लाइंट सर्वर से इंफॉर्मेशन निकालता है, दिस इज कॉल्ड टू टीयर। सो आपके क्लाइंट दो तरह के होते हैं, फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट, जो क्लाउड को एक्सेस करते हैं। ये जो मैंने बनाया है इसमें मैंने थर्ड चैप्टर की रिविजन भी करवा दिया आपको, फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट कौन सा होता है। आपने थर्ड चैप्टर में जाकर घर से रिवाइज जरूर करके आएगा ये फैट क्लाइंट और थिन क्लाइंट का कंसेप्ट, अगर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं थर्ड चैप्टर को। और रिमेंबर वन थिंग, बहुत जल्दी मैं आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंबाइंड टेस्ट लेने वाला हूं, ताकि आपका जो मेन चैप्टर्स है पिछले वो आपकी मुट्ठी में रहे। इसलिए थर्ड और फोर्थ चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट के लिए रिवीजन अपने घर बैठकर तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, सो लेट मी स्टार्ट क्विकली। आई होप आपने ये सारा डायग्राम बना लिया है, क्योंकि ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इस पूरे आर्किटेक्चर को समझने के लिए। लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, आप आज घर जाकर इस आर्किटेक्चर वाले डायग्राम को अच्छे से पढ़िए। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसे अच्छे से पढ़िए आप। ओके, घर जाकर आप इस पूरे के पूरे डायग्राम को अच्छे से पढ़िए, और जब आप अच्छे से पढ़कर आएंगे कल मैं आते ही शुरू करवाऊंगा आपका ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। अगर आपको टाइम मिले तो आप घर जाकर अपनी किताब में इस आर्किटेक्चर को भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एक बार नजर लगा सकते हैं, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो घर जाकर क्लाउड का पूरा कंसेप्ट जितना मैंने करवाया है उसे करिएगा, बिकॉज जो नेक्स्ट लेक्चर आपका क्लाउड पे होने वाला है वो डैम इंपॉर्टेंट है, और समझ सिर्फ उन स्टूडेंट को आ सकता है जो घर जाकर इसे रिवाइज करेंगे। सो अगला टॉपिक आर्किटेक्चर और क्लाउड की सर्विसेज है, वो सर्विसेज पेपर में 100% आने वाली। एक बात में से गारंटी मैं बोल सकता हूं आपको कि आपके पेपर में क्लाउड का एक क्वेश्चन डेड श्योर आने वाला है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेड श्योर। सो प्लीज घर जाकर क्लाउड को दोबारा से पढ़िएगा, मैं कल कंटिन्यू करवाऊंगा आपको क्लाउड का कंसेप्ट, एंड वी कैन स्टडी दैट। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। सो घर जाकर प्लीज गाइज डू स्टडी, मैं आपको दोबारा कल मिलूंगा, एंड प्लीज डू आस्क मी योर डाउट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।